आज हम बात करेंगे इनेलो भाजपा गठबंधन की संभावनाओं की। आजकल चुनाव के दौर में राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन हो रहे हैं, टूट रहे हैं। जींद उपचुनाव के बाद जिस ढंग से बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन को एक तरफा तोड़ते हुए राजकुमार सैनी के साथ गठबंधन किया, उससे ऐसी संभावनाएं बड़ी थी कि इनेलो भाजपा से गठबंधन कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने इस गठबंधन की संभावनाओं को सिरे से नकार दिया है। दोस्तों, इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जैसे ही जेल से परलोक पर बाहर आए, उनसे जब पत्रकारों ने नए गठबंधन के बारे में पूछा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इनेलो व भारतीय जनता पार्टी के बीच में गठबंधन हो सकता है क्योंकि हमारे बीच में गठबंधन पहले भी रहा है। आपको बता दें, एमरजेंसी के बाद 1977 में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अस्तित्व को समाप्त करके एक जनता दल बनाया था, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक चौधरी देवीलाल से लेके भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी व लाल किशन आडवाणी सहित देश के बड़े नेता थे। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, वहीं जनता दल टूटता गया, वह लोकदल का जन्म हुआ। लोकदल के जन्म के बाद तीन बार भारतीय जनता पार्टी व इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन हो चुका है। सबसे पहले चौधरी देवीलाल व डॉक्टर मंगल सैन ने न्याय युद्ध लड़ा बंसीलाल की सरकार के विरुद्ध, वह गठबंधन हुआ। उस समय रिकॉर्ड सीटें प्राप्त करके गठबंधन जो था वो सत्ता में आया, लेकिन यह गठबंधन अधिक नहीं चला। दो साल लगभग 2.5 साल के बाद 1990 में यह गठबंधन टूट गया और फिर से 2000 के चुनाव से पूर्व 1999 में जब चौधरी बंसीलाल की सरकार गिरी तो भारतीय जनता पार्टी व ओम प्रकाश चौटाला के बीच में दूसरी बार गठबंधन हुआ। यह सरकार लगभग 5.5 वर्ष चली, लेकिन इसके बाद यह गठबंधन फिर से टूट गया। वह भारतीय जनता पार्टी ने पुनः यह 2004 में अपने दम पर चुनाव लड़ा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार अपने दम पर हरियाणा में 47 सीटें मिली, वह स्पष्ट बहुमत से हरियाणा में सत्ता में आई। एक और इनेलो के टूटन के बाद जहां जींद उपचुनाव में इनेलो की दुर्गति हुई है, वह पूरे प्रदेश में ऐसा नजर आने लग गया है कि इनेलो कमजोर हुई है। ऐसे में इनेलो सुप्रीमो सहित इनेलो के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज की परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी व इनेलो के बीच में कोई गठबंधन हो पाएगा, कम से कम चुनाव से पूर्व ऐसा दिखाई नहीं देता। हाँ, लोकसभा चुनाव के बाद अगर इनेलो को कुछ सीटें प्राप्त होती हैं, जिसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है, वह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को आवश्यकता होती है उन सीटों की, तो अवश्य भारतीय जनता पार्टी व लोकदल के बीच में चुनाव के बाद गठबंधन हो सकता है। लेकिन चुनाव से पूर्व दोस्तों भारतीय जनता पार्टी व इनेलो के बीच में किसी प्रकार का गठबंधन नहीं हो सकता। आज इतना ही, यह हमारा केवल आकलन है। राजनीति में ऊंट किस करवट बैठे यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन पल पल के दर्शकों के लिए आज इतना ही। हमारी यह संभावना है कि चुनाव से पूर्व दोनों दलों के बीच में गठबंधन नहीं हो सकता। नमस्कार।